नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, स्कूल शिक्षा विभाग की बहुत बड़ी खबर आ रही है। सभी शिक्षकों के लिए जानना अनिवार्य है। आप सभी देखें, शुरू करते हैं लैट्स को। तो दोस्तों, सरकारी स्कूलों में साफ सफाई पर करीब 5 करोड़ रुपए होंगे खर्च। दोस्तों, 9149 प्रदेश में हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। 48,89,62,500 कुल बजट है। 134 भोपाल जिले में हाई व हायर सेकेंडरी स्कूल, 71,37,500 रुपए का बजट भोपाल के लिए। दोस्तों, कोरोना संक्रमण के कारण मार्च में बंद हुए स्कूलों में 21 सितंबर के आंशिक कक्षाएं शुरू की गई थी। अभी 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में 5% विद्यार्थी अभिभावकों की सहमति के बाद आ रहे हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने केंद्र द्वारा जारी मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP का पालन करने का निर्देश दिया है। दीपावली के बाद से विभाग 9वीं से 12वीं तक के स्कूलों में नियमित कक्षाएं लगाने की तैयारी कर रहा है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत विभाग ने प्रदेश के 9149 स्कूलों को 48,89,62,500 रुपये का बजट जारी किया। इसमें राजधानी के 134 सरकारी स्कूलों को 71,37,500 रुपये मिले हैं। प्रदेश के स्कूलों के लिए जारी की गई राशि में से 10% राशि स्कूलों की साफ सफाई पर खर्च करना है, यानी स्कूलों में साफ सफाई पर करीब 4,90,00,000 रुपए खर्च होंगे। तो दोस्तों, प्रतिदिन 1,000 रुपए से अधिक खर्च होगा। जिले में 134 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं। इनमें से 9वीं से 12वीं के बीच औसतन 700 से 1200 तक विद्यार्थी हैं। प्रतिदिन 200 विद्यार्थी भी स्कूल आएंगे तो उनके इस्तेमाल में 4 से 5 लीटर सैनिटाइजर लग जाएगा। वहीं स्कूल को 3 बार सैनिटाइज करने के लिए भी कई लीटर हाइपोक्लोराइट लगेगा। सफाई कर्मचारी लगातार रोजाना शौचालय परिसर की सफाई से लेकर अन्य कदम उठाने पर प्रतिदिन 1,000 रुपये से अधिक खर्च आते हैं, जबकि शाला निधि से यह संभव नहीं है। स्कूलों में सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनर मशीन, साबुन, सफाई कर्मचारी सहित अन्य व्यवस्था करने के लिए निर्देश दिए गए थे, लेकिन विभाग द्वारा इन व्यवस्थाओं के ऊपर खर्च होने वाली राशि को लेकर कोई स्पष्ट निर्देश जारी नहीं थे। प्राचार्यों का कहना है कि जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके अनुसार काम किया जाए तो वह शाला विकास निधि से कुछ माह ही चल सकेगा। बजट मिलने से स्कूलों को व्यवस्था बनाने में सहूलियत होगी। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी हैं नितिन सक्सेना, उनका कहना है कि जिले के हाई व हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए बजट जारी किया गया है। इसमें स्कूलों की साफ सफाई की व्यवस्था के लिए करीब 7 लाख रुपये की राशि जारी की गई है। इससे स्कूलों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। तो दोस्तों, इस पर अपने विचार लिखें, जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।